विद्याभवन विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 1 प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। अब तक की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि हीरा और मोती दोनों गया के साले के घर से भागकर जब कांजी हाउस में बंद हो जाते हैं तो वहां से वो भाग जाते हैं और बाकी जानवरों को भी भगा देते हैं, लेकिन उन्हें वापस पकड़ लिया जाता है, खूब पीटा जाता है और एक मोटी रस्सी से उनको बांध दिया जाता है। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला, यानी कोई भी किसी प्रकार का चारा उनको नहीं मिला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठटरिया निकल आई थी, ठटरिया मतलब हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दो पैर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हुए। तब दोनों मित्र निकले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीददार होता, यानी उन बैलों की नीलामी वहां पर की जाने लगी। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों बैलों के कुल्लों में उंगली गोंदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। यानी कांजी हाउस में हीरा और मोती की नीलामी होने लगी। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनको देख रहा था और कांजी हाउस के मुंशी से बात कर रहा था। इससे दोनों बैल डर गए, घबरा गए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाग भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेगा, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। यानी एक गाय बैलों का एक रेवड़ खेत में चढ़ता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यानी जाने पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो अपना ही हार आ गया है, यानी उनका घर आ गया है। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआ है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, नजदीक आ गया,
हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बसों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ी। वह हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए खड़े हो गए। दड़ीबिल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखती दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ीबिल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, जाकर थाने में रपट दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े। झूरी ने कहा, ये बैल तो मेरे हैं क्योंकि मेरे घर पे ये खड़े हैं। दड़िया जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़िया पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़िया भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा दड़िया रास्ता देख रहा था। दड़िया दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़िया हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमार न छोड़ता, अब न जाएगा, अब न आएगा, आएगा तो दूर से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकरों दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 200 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गाँव में उत्साह सा मालूम होता था, यानी उत्साह बनाया जाने लगा। उसी से मालकिन ने आकर दोनों के माथे को चुम लिया। इस तरह से हमारा ये पहला अध्याय पूरा हुआ, जिसमें प्रेमचंद ने जानवरों के प्रति हमारे मन में क्या श्रद्धा भाव होने चाहिए, किस तरह से उन्हें रखना चाहिए, रहना चाहिए, ये हमने जाना। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इससे जुड़े इसी अभ्यास के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।